का दमका और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर से, जहां पर गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कुछ ही देर में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी। विधानसभा सत्र को लेकर ये बैठक होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर मोहर इसमें लगाई जाएगी। सत्र में आने वाले विभिन्न बिलों पर फैसला होगा। रीट को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है। तो महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की कुछ ही देर के बाद शुरू होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर इसमें मुहर लगाई जाएगी और सत्र में आने वाले विभिन्न बिलों पर भी इस पर फैसला होगा। रीट को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। सुशांत पारेख ब्यूरो हेड हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, कितनी देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी? प्रताप जी, क्या बैठक में चर्चा हुई और कैबिनेट में आज क्या बड़ा फैसला होने वाला है? अभी कैबिनेट है, 2 बजे और टाइम हो गया है। मैं भी वहीं जाना चाहता हूं, आपने रोका इसलिए मैं रुका। आज विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विधायक दल की मीटिंग को माकन साहब, डोटासरा जी ने भी संबोधित किया और मुख्यमंत्री जी ने तो संबोधित किया। मकसद एक ही था कि राजस्थान में 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं और उस काम की चर्चा पूरे देश में है और पूरे देश में एक ही चर्चा है कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर रही। मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों से कहा कि आज राजस्थान की जनता आपके साथ खड़ी है, लोग दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब दोबारा सरकार जनता बनाना चाहती है, जनता बीजेपी के जुल्म और अन्याय से परेशान है, तो हमारा सबका एक ही मकसद है कि हम हमारी गुड गवर्नेंस के आधार पर, हमारे काम के आधार पर, हमारी जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाएं, बुकलेट छपवाएं, लोगों तक पहुंचें, लोगों के बीच में हमारी अप्रोच हो और दोबारा सरकार बना कर आएं। और जहां भी विपक्ष यदि सदन में कोई इस तरह की भाषा बोलता है वो, तो उसमें सब एकजुट होकर और विपक्ष के झूठ का, फरेब का, धोखे का मुंह तोड़ जवाब दे, ऐसा पार्टी ने डिसाइड किया। पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बुकलेट को लेकर नाराजगी जताई है सीएम साहब ने कि, तो जो पार्टी का लीडर होता है वो तो नाराजगी जताना उनका हक है और डायरेक्शन। ज्यादा नाराज मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। एमएलए अपनी बुकलेट अपनी उपलब्धि का बखान नहीं करा रहा तो गुस्सा भी, नो डाउट। मुख्यमंत्री जी यदि कोई बात कहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। 3री बार मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं और उनकी हर बात को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सब ने हाथ खड़े करके संकल्प लिया कि सब बुकलेट भी छपवाएंगे, सब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर ये फैसला लेंगे। मैं आज के दिन इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उन सब से मैं एक ही बात कहूंगा, जो घटना डोटासरा जी के घर पर हुई वो भी बहुत गलत थी, वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए थी। जो घटना सतीश पूनिया जी के साथ हुई वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद आगे बढ़कर मैं डोटासरा जी को भी मेरे घर चाय पे बुलाऊंगा, सतीश पूनिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। राजस्थान में ये परंपरा नहीं है आपस में।